गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर क्या होगा। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत लोगों ने दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का को कौन से नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो नदी है वो है सियांग नदी है, अरुणाचल प्रदेश में उसी पर बनाया गया है। तो दोनों चीज़ को देख लीजिएगा, सियांग नदी भी याद करना जरूरी है। चलिए अब आज का हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े श्रेणियों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है हिमाचल प्रदेश या डी है असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी गुजरात, आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब गुजरात के बारे में कुछ देख लेते हैं। गुजरात जैसे आप रेड कलर में देख रहे हैं, गुजरात है। यहाँ का कैपिटल क्या है, गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी, गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। ऑफिशियल सॉन्ग है जय जय गरवी गुजरात। फॉर्मेशन कब बना है गुजरात, 1 मई 1960 को। राज्यसभा में 11 सीट है और लोकसभा में 26 सीट है, ठीक है। और चलिए और गुजरात के बारे में देख लेते हैं, वहाँ का राज्य एनिमल कौन सा है, तो वो है लायन। राज्य पक्षी पूछा जाता है तो ग्रेट फ्लेमिंगो है। राज्य फूल कौन सा है, मैरीगोल्ड। और राज्य ट्री जो है बनियान ट्री, बरगद का ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, बरगद का पेड़। तो ये सारे चीज़ हो गए जो आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए किस नाम से विशेष मोबाइल ऐप सेवा जारी किया गया है। तो देखिए वहाँ पर एक मोबाइल ऐप जारी किया गया जो आपके टेम्परेचर को बताते रहेगा, LCD लगा हुआ है हर जगह, वो आपको टेम्परेचर को बताते रहेगा। तो उसका नाम है कुंभ मेला मौसम सेवा। ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है, प्रयागराज में लगा है कुंभ मेला, 15 जनवरी से चालू हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, मेसिडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है। तो मेसिडोनिया जो कंट्री है वो अपना नाम बदला है, क्या रखा गया। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है ग्रेट वेस्ट नेशन, बी है यूटोपिया, सी है एल्ड्रोडो या डी है उत्तर मेसिडोनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी उत्तर मेसिडोनिया। तो पहले मेसिडोनिया था, अब क्या हो गया, उत्तर मेसिडोनिया। तो डी करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए मेसिडोनिया के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप भारत देख सकते हैं यहाँ, और ये है आपको ग्रीन कलर का जो है ये है मेसिडोनिया। मेसिडोनिया जो है लैंडलॉक कंट्री है। मेसिडोनिया के कैपिटल क्या है, स्कोपजी। और इसके बगल का देख लीजिए कंट्री, बुल्गेरिया है, ग्रीस है, अल्बेनी है, कोसोवो है और सर्बिया है, ये सारा इसके बगल के कंट्री है। अब चलिए मेसिडोनिया के बारे में कुछ और देख लेते हैं। मेसिडोनिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है जॉर्ज इवानोव। प्राइम मिनिस्टर कौन है, जोरन जेवी। करेंसी क्या है वहाँ का, तो मेसिडोनिया दिनार करेंसी है। और कैपिटल आपको बता चुके हैं, स्कोपजी है कैपिटल। ये 1000 रुपये का वहाँ का, 1000 मेसिडोनिया दिनार है ये देख लीजिए फिगर। तो ये सारा मेसिडोनिया के बारे में हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है, सचिन पायलट, बी है अरविंद गौड़ा, सी है डॉक्टर CP जोशी या डी है डॉक्टर RK मदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर CP जोशी, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, GST कंपनसेशन योजना के तहत कारोबारियों को 1 अप्रैल 2019 से कितनी राशि तक का छूट देने की घोषणा की गई है। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है 1.5 करोड़ रुपया, बी है 2 करोड़, सी है 2.5 करोड़ या डी है 3 करोड़। तो पहले 1 करोड़ का कंपनसेशन था, अब उसको बढ़ा के 1.5 करोड़ रुपया कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2019 तक। तो ठीक है, तो आपका ए हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2019 को एक परिवार एक नौकरी योजना शुभारंभ किया था। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है सिक्किम या डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सिक्किम जो है उसमें लागू किया गया एक परिवार एक नौकरी।
तो इसका सी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, उससे पहले सिक्किम का कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको चिकन नेक भी बोलते हैं सिक्किम को। कैपिटल हो गया गैंगटॉक, गवर्नर हो गए गंगा प्रसाद, यहाँ का चीफ मिनिस्टर हो गए पवन कुमार चेमलिंग, और राज्यसभा का एक सीट है और लोकसभा का एक सीट है। ठीक है, तो ये सारा हो गया सिक्किम के बारे में। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने युवकों ने इस्लामिक रिवाजों और पूर्वोत्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइंस डे को किस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है सिस्टम डे, बी है युवा डे, सी है महिला डे, या डी है पाकिस्तान डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सिस्टम डे के तौर पर इन लोगों ने मनाने का उसको ऐलान किया है, वैलेंटाइंस डे के जगह सिस्टम डे, ये हो गया करेक्ट आंसर। और देखिए अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस देश ने कहा है कि ईरान से तेल खरीदने के लिए भारत को रियायत नहीं दी जाएगी। चार ऑप्शन है, ए नेपाल, बी है चीन, सी पाकिस्तान, या डी अमेरिका। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अमेरिका जो है वो बोला है कि अब भारत को रियायत नहीं दी जाएगी, वो ईरान से तेल खरीदेगा, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, किस भारतीय बल्लेबाज ने पूर्व दक्षिण अफ्रीका कप्तान एबी डिविलियर्स 204 छक्के मारे हैं को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का मामले में पांचवें नंबर तक पहुंच गए हैं। तो डायरेक्ट आप लोग देख ही सकते हैं रोहित शर्मा का फिगर, तो रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी 2019 को किस देश के सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद थापा को भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया। तो चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है भूटान, बी नेपाल, सी चीन, या डी जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नेपाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है ये हैं पूर्व चंद्र थापा, इन्हीं को भारतीय सेना का जनरल का जो पदवी होता है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हाल ही में इसरो ने मिशन गंगायान के लिए कब तक का डेडलाइन निश्चित किया है। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है दिसंबर 2021, बी है दिसंबर 2022, सी दिसंबर 2023, या डी दिसंबर 2024। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दिसंबर 2021 तक गंगायान के लिए डेडलाइन निश्चित किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो कहाँ पर है, इसरो है आपको बेंगलोर में, कर्नाटका में है। तो इसको भी याद रखिएगा कि इसरो का हेड ऑफिस बेंगलोर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्टनरशिप समिट 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए है मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, या डी बेंगलोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मुंबई, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई में पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया गया है 2019 का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ मुद्रा विनिमय के लिए समझौता को मंजूरी दी है। चार ऑप्शन देख लीजिए, ए जापान, बी है चीन, सी पाकिस्तान, या डी अमेरिका। तो इसका विनिमय के लिए मतलब मुद्रा दोनों का एक्सचेंज के लिए जापान को दिया गया है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले आप लोग लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। आशा है कि सारे लोग जितने लोग वीडियो देखे होंगे लाइक बटन को जरूर दबाए होंगे। आशा करते हैं कि आज 500 लाइक करीब करीब पहुंचा देंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए मोटिवेट करते रहिए हमको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में सुर्खियों में रही तुलसी गब्बार्ड किस देश से संबंधित हैं। चार ऑप्शन देख लीजिए, नेपाल ए, बी है चीन, सी पाकिस्तान, या डी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। ये अमेरिका का जो अगला राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें ये पहली भारतीय ऐसी बनेंगी। अभी ये वहाँ के सेनेट की मेंबर है, मतलब मेंबर ऑफ जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट होते हैं उसी तरह वहाँ के सेनेट की ये मेंबर है। ये इन्होंने घोषणा किया है कि अगला चुनाव इन्होंने लड़ेंगी और ये भारतीय मूल की रहने वाली है मगर अमेरिका में रह रही है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो गया।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का कौन सा जयंती मनाया गया है? तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का 352वां जयंती मनाया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जयंती पर नरेंद्र मोदी ने 350 रुपये का सिक्का का मतलब कि आयोजन किया, मतलब कि अब मार्केट में 350 रुपये का सिक्का चालू होगा इनके याद में। ठीक है, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के तरफ। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब इसका आंसर आप लोग को देना है। क्वेश्चन है, कांग्रेस ने निम्न में से किसे महिला कांग्रेस का पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए है अप्सरा रेड्डी, बी है प्रतिभा रेड्डी, सी है मीना सोलंकी या डी है मोहिनी सचदेवा। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। तो उनका नाम जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट सेशन में लिख के। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।